रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। उसी से रिलेटेड आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं, मैं आपको डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसा हमने, फॉर एग्जांपल, हमने किसी हॉट सरफेस को टच कर लिया है, एकदम से हमारा हाथ पीछे की तरफ हो जाएगा, या हमें कोई पिन प्रिक हो गई है, हम आह कहकर एकदम से अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेते हैं, या आप तेज रोशनी में बाहर निकलते हो, एकदम से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, या फिर आपकी आंखों के पास से कोई छोटा सा कीड़ा गुजरता है या डस्ट वगैरह आपकी आंख में जाने लगती है, एकदम से आपकी जो आपकी आईज हैं वो ब्लिंक होने लगती हैं। अब ये तमाम काम ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में एकदम से होते हैं, इमीडिएट होते हैं, सडन होते हैं। इन सब कामों के लिए हमें इरादा करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। ये तमाम काम हमारी बॉडी में इन्वॉलेंट्री होते हैं, कॉन्शियसली कंट्रोल नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं, यानी कि हमने इरादा नहीं करना कि हमने किसी हॉट सरफेस को टच करना है, फिर आह करना है और फिर अपना हाथ पीछे की तरफ हटाना है, ऐसा नहीं होता। तो वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम काम जो कि हमारी बॉडी में इमीडिएट होते हैं, सडन होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, इन तमाम एक्टिविटीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या सिंपल रिफ्लेक्सेस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिफ्लेक्स क्या होते हैं? द रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन इनवॉलेंट्री इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि किसी भी स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी एक सडन इनवॉलेंट्री या इमीडिएट रेस्पॉन्स शो करती है, उन तमाम एक्टिविटीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या सिंपल रिफ्लेक्सेस। अब ये जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं या रेस्पॉन्स होते हैं, दे आर नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल, ये कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होते, हमें इसके लिए सोचने की, इरादा करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें जो इम्पल्स है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारी बॉडी के तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मगर हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो बॉडी के अंदर इमीडिएट सडन एक्शन होते हैं, वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि उसमें इम्पल्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। फिर ये काम किस तरीके से होते हैं, इन रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इन रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विद द ब्रेन स्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम के साथ, ब्रेन स्टेम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को ही हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अंदर से ही पाथ बनाकर होता है, यानी कि नर्व इंपल्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये एक्शन हमारे पास इमीडिएट और सडन होते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे फॉलोड बाय नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व इंपल्स जो पाथ फॉलो करेगी, जो पाथ होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम समझते हैं डायग्राम के जरिए, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें आप देख सकते हैं व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर मौजूद है, सेंट्रल में सेंट्रल कैनाल मौजूद है। अब ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें कोई पिन प्रिक होती है, ठीक है, तो हमारी स्किन में मौजूद जो रिसेप्टर्स है वो उस स्टिमुलाई को फील करेंगे और फिर उस स्टिमुलाई को भेजेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स तक। सेंसरी न्यूरॉन्स उस नर्व इंपल्स को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जहां पे मौजूद होते हैं रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स। वो रिले न्यूरॉन्स जो है उनके दरमियान मौजूद होते हैं साइनैप या साइनैप्टिक गैप। साइनैप्टिक गैप क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। मैंने आपको न्यूरॉन्स लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसा टच नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान गैप मौजूद होता है, जिसे हम साइनैप या साइनैप्टिक गैप कहते हैं।
हैं। तो ये साइनेप्टिक गैप बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन में। दोबारा से हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पिन प्रिक हो गई है तो हमारी स्किन में मौजूद जो रिसेप्टर्स है उस स्टिमुलाई को फील करेंगे और उसे कन्वे करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स तक। सेंसरी न्यूरॉन्स उस इम्पल्स को लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन, या फिर हम इसे रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। वो इंटर न्यूरॉन्स उस मैसेज को एकदम से ट्रांसफर करेगी मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स उसको इम्पल्स को लेके जाएंगे इफेक्टर्स तक, जो कि हमारी मसल्स हो सकते हैं, और इफेक्टर्स एकदम फिर उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो है अपना एक्शन शो करेगा, फॉर पीछे की तरफ एकदम से अपना हाथ हटा देगा। तो ये जो हमारे पास पाथ बना है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम इसके जरिए समझते हैं, यानी इसमें क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहले था इसमें रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स उस स्टिमुलाई को फील करके मैसेज कन्वे करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स तक। सेंसरी न्यूरॉन्स उस नर्व इम्पल्स को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाया साइनेप्स, जहां पे मौजूद होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स उसको ट्रांसफर करेंगे मोटर न्यूरॉन्स तक, और मोटर न्यूरॉन्स जो है अपना नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करेगी इफेक्टर्स तक, और फिर वो इफेक्टर्स उस स्टिमुलाई के जवाब में रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पाथ बनता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इसको हम इस जरिए भी देख सकते हैं, एक डायमेट्रिकली भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्टिमुलाई को फील किया रिसेप्टर्स ने, रिसेप्टर्स ने उस नर्व इम्पल्स को पहुंचाया सेंसरी न्यूरॉन्स तक। सेंसरी न्यूरॉन्स उन इम्पल्स को लेकर गए रिले न्यूरॉन्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर मौजूद होते हैं। रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को ट्रांसफर किया मोटर न्यूरॉन्स तक, और मोटर न्यूरॉन्स वो लेकर गए नर्व इम्पल्स इफेक्टर्स तक, और फिर इफेक्टर्स ने उस स्टिमुलाई के जवाब में जो है रेस्पॉन्स शो किया। तो ये हमारे पास बात है रिफ्लेक्स आर का, हर एग्जाम्पल में ऐसा ही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं या रिफ्लेक्स आर क्या होता है। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रिसेप्टर ऑफ विजुअल यानी कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।